नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अमृत विहार मेरठ रोड में लॉकडाउन के पांचवें दिन कोरोना वायरस के चलते किन्नर समाज भी आया सामने। गरीब मजदूर जरूरतमंद लोगों के लिए किन्नर समाज का छलका दर्द। किन्नर समाज ने गरीब व मजदूरों जरूरतमंद लोगों को किया राशन का वितरण। दाल, चीनी, चावल, आटा, तेल, नमक आदि राशन के सामान का किया वितरण। किन्नर राजकुमारी ने लोगों से अपील भी की कि वह अपने घरों से ना निकलें और अपने घरों में ही रहें, और जो लोग अपने आप में सक्षम हैं वह भी गरीब लोगों के लिए खाने पीने की वस्तु वितरण कर सकते हैं। पीएम मोदी जी के साथ इस दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाने का किया आह्वान, और किन्नर समाज ने बताया यह राशन का वितरण आगे भी जारी रहेगा। मैंने इसलिए करा है, ये जो मोदी जी के आदेश हैं, ये जो लॉकडाउन हो रहा है हिंदुस्तान में, अपने अपने घरों में रहो, तो सब भूख के मारे तड़प रहे हैं, है ना। तो जिनके पास गुंजाइश है वो तो अपने अपने घरों में बैठे हैं चुपचाप। मैंने सोचा मैं ही आगे बढ़ जाऊँ, पूरा महल्ले के बच्चे भागे भागे फिर रहे हैं, है ना, फिर पुलिस आके मारती है उनको। तो इस वजह से मैं भी उसमें आके सामने आ गई, जो मेरे पास है मैं भी जनता को बांट रही हूँ। करीब कितनी लोगों को अब तक राशन बांट चुकी हैं? मैं तो बांटना कल भी बांटूंगी, परसों भी बांटूंगी, आज भी बांट रही, जितना मेरे बस की होगा उतना बांटूंगी, क्योंकि सुख शांति रहकर में ये जो है वायरस जो कोरोना वायरस दूर हो जाए हिंदुस्तान में।